नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस एक्सेल के एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के बारे में। इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं, मैं एक एक करके इन सभी ऑप्शंस के बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैंने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में डिफाइन किया हुआ है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहला एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में आप देखेंगे चेक एक्सेसिबिलिटी का एक ऑप्शन आपके सामने रिप्रेजेंट होगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आप देखेंगे ये हमें कुछ एरर्स रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ वार्निंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली इसका जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ होता है जितना भी हमने डेटाबेस तैयार किया हुआ है उसके अंदर जितने भी मिसमैच होते हैं या जितने भी एरर्स होते हैं उन सभी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे मिसिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे शीट टू वन पर हमें एक पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है जो मिसिंग बता रहा है डेटाबेस से। दूसरे ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमें कलर्स के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और इस सेल एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमें ये इस सेल पर ले जाएगा जहाँ पर कलर्स डिफरेंट्स हैं, यानी ये बता रहा है हमें कि हमने यहाँ पर दो कलर्स का यूज़ किया हुआ है जो दोनों कलर्स हमारे अलग अलग सेल्स के अंदर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम वार्निंग के अंदर जाते हैं और वार्निंग के अंदर देखेंगे यहाँ पर मर्ज सेल्स के बारे में बता रहा है, यानी कि हमने इस पूरे डेटाबेस को बनाने के लिए 12 सेल्स को मर्ज किया है, यानी 12 बार हमने सेल्स को मर्ज किया है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी लिस्ट हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी और जिस भी सेल एड्रेस पर हम क्लिक करेंगे वो सेल एड्रेस हमें शो करेगा कि हमने कहाँ कहाँ पर सेल्स को मर्ज कर रखा है, वो सारे मर्ज सेल्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। इसके जस्ट नीचे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर दिखाएगा हमें डिफ़ॉल्ट शीट नेम। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखेंगे हमने शीट का नाम दिया हुआ है पर्सनल मंथली बजट के नाम से और यहाँ पर ये जो शीट वन है वो डिफ़ॉल्ट है, यानी एम एस एक्सेल बाई डिफ़ॉल्ट जो शीट का नाम लेता है ये वो शो कर रहा है। तो जैसे हम डिफ़ॉल्ट शीट पर क्लिक करेंगे, डिफ़ॉल्ट नेम के शीट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जैसे ही शीट वन पर क्लिक करेंगे तो हमें ये रिप्रेजेंट कर देगा हमारी नेक्स्ट शीट पर, यानी कि ये हमारी डिफ़ॉल्ट शीट है और ये हमने खुद से डेटाबेस को क्रिएट किया हुआ है। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसकी अगर हम बात करें तो वो हमारा ऑप्शन है ऑल्ट टेक्स्ट का। ऑल्ट टेक्स्ट यूज़ किया जाता है, जैसे मान लीजिए हमने शीट वन पर एग्जांपल के लिए एक इमेज ली हुई है और इस इमेज पर हम जो भी नाम लिख देंगे, यानी इस ऑप्शन पर जा करके हम पहले इस पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं और एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन पर जा करके हम ऑल्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम कोई भी कमेंट्स यानी कोई भी टेक्स्ट जो भी वर्ड हम इस पर टाइप करेंगे वो वर्ड बाय डिफ़ॉल्ट इस इमेज के नाम से सेव हो जाएगा और जब भी हम इसे देखना चाहेंगे तो हम इसे देख सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया माई स्वीट बेबी और देन इसके बाद मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। कट करने के बाद जैसे ही मैं एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन पर दोबारा से जाऊँगा और ऑल टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, जैसे ही इस इमेज को मैं सिलेक्ट करूँगा तो मेरा वो टेक्स्ट जो मैंने कमेंट टाइप किया था वो कमेंट यहाँ पर शो करेगा, यानी इस इमेज के बारे में जो भी कमेंट हम यहाँ लिखेंगे वो यहाँ पर परमानेंटली सेव हो जाता है। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे वो है फॉर्मेट एज टेबल का, यानी जो भी हमने शीट बना रखी है अगर हम इसके फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमें सिंपली सेलेक्ट करना है किसी भी डेटाबेस को और यहाँ पर जा करके फॉर्मेट टेबल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स की आपको टेबल्स मिलेंगी। जैसे मान लीजिए हम इस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस डेटा का टेबल का जो लुकअप है उसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ देखेंगे आप डिफरेंट टाइप्स के लुकअप्स आपके सामने शो हो जाएंगे। इसमें से कोई भी लुकअप आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको बेटर लगे। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो अनमर्ज सेल्स का है। यहाँ पर भी हमने बहुत सारे सेल्स को मर्ज किया हुआ है तो मैं आपको एक दोबारा से सेल मर्ज करके और अनमर्ज करके दोनों ही दिखाता हूँ। तो शीट वन पर चला जाता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ सेल्स को सिलेक्ट किया और होम टैब से जा करके यहाँ पर मैंने इसको मर्ज कर दिया। मर्ज एंड सेंटर्स पे क्लिक करने के बाद हमारे काफ़ी सेल्स मर्ज हो गए हैं। इसको मुझे वापस से अनमर्ज करना है तो यहाँ पर ऑप्शन आता है अनमर्ज का, आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन यही ऑप्शन आप देखेंगे तो रिव्यू टैब के अंदर यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में भी दिया हुआ है, जैसे आप अनमर्ज सेल पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा डेटा वापस से अनमर्ज हो जाएगा, यानी हमने जो भी सेल्स को मर्ज किया था वो वापस से अनमर्ज हो जाएगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे ऑप्शन एक्सेसिबिलिटी का है। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है उस पर अगर हम क्लिक करते हैं यानी एक्सेसिबिलिटी हेल्प पर, तो डायरेक्टली ये हमारी वेब पेज पर ले जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वेब पेज पर, जिसके बारे में यहाँ पर और भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप यहाँ से उसे रीड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, तो नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर स्मार्ट लुकअप का ऑप्शन है। स्मार्ट लुकअप पर जैसे हम क्लिक करेंगे
तो आप देखेंगे हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारे पास बिंग ब्राउजर ओपन हो जाएगा और उस पर क्लिक करके हम कोई भी सर्चिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम सर्च करते हैं इंडिया, और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इंडिया की जितनी भी इंफॉर्मेशन इसके पास होंगी इस ब्राउजर के ऊपर, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमारे सामने रिप्रेजेंट कर देगा। इसके अलावा आप यहाँ पर और भी ऑप्शंस देख सकते हैं, मोड्स में जाएंगे, वेब ओपन कर सकते हैं, मीडिया ओपन कर सकते हैं, हेल्प भी ले सकते हैं। तो एक तरीके से इसका जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ होता है कि आप बिना ब्राउज़र को ओपन किए यहीं से ही आप किसी डेटा को सर्च कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, ट्रांसलेट की। तो ट्रांसलेट ऑप्शन बेसिकली यूज़ किया जाता है किसी भी डेटा को ट्रांसलेट करने के लिए, किसी भी वर्ड को ट्रांसलेट करने के लिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से ले लेते हैं कोई भी वर्ड और उसी वर्ड को सिलेक्ट करके हमने ट्रांसलेट पर क्लिक किया। ट्रांसलेट पर क्लिक करने के बाद जिस तरीके से हमारा गूगल ट्रांसलेटर वर्क करता है, सेम उसी तरीके से हमारा ये ट्रांसलेटर भी काम करता है। यहाँ पर आप देखेंगे डिटेक्टिक जो लैंग्वेज है हमारी वो इंग्लिश है, और यहाँ पर जो हमारी चेंज लैंग्वेज है यानी जिसमें हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो अफ्रीकन लैंग्वेज है। यहाँ से आप चाहें तो डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस आपको शो होंगी, जिस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करके ओके करेंगे ये हमारी भाषा उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ देखिए वो भाषा हमारी चेंज हो चुकी है। इस तरीके से आप ट्रांसलेट ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कमेंट्स का। कमेंट्स का यूज़ किया जाता है आप किसी पार्टिकुलर किसी वर्ड के को सिलेक्ट करके उसके ऊपर कमेंट दे सकते हैं। जिस तरह से हम एक बुक रीड करते हैं और रीड करते समय हमें कोई वर्ड इंपॉर्टेंट लगता है तो हम अपने पेन से या पेंसिल से उसको मार्क कर देते हैं, सेम एज इट इज़ उसी तरीके से यहाँ पर कमेंट्स के माध्यम से आप इसके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बारे में जो भी आपको कमेंट देना है वो यहाँ पर कमेंट्स टाइप कर सकते हैं। जितने भी वर्ड पर आपको कमेंट डालना है उतने भी वर्ड पर आप यहाँ पर कमेंट्स टाइप कर सकते हैं। वो कमेंट्स आप देखेंगे रेड कलर से मैं आपको रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा शो कमेंट्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके कमेंट्स होंगे वो सभी कमेंट्स आपके शो कमेंट्स पर शो हो जाएंगे, और इसे हाइड करेंगे तो वापस से ये हाइड हो जाएगा। अगर आप प्रीवियस कमेंट पर जाएंगे तो मान लीजिए ये हमारा ये वाला नेक्स्ट कमेंट था, इस पर प्रीवियस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये प्रीवियस कमेंट पर चला जाएगा, और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट कमेंट पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ से आप शो और हाइड कमेंट्स कर सकते हैं, यहाँ से भी आप शो और हाइड कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से आप चाहें तो किसी पार्टिकुलर कमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे आप डिलीट पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी कमेंट हमने लगाया होगा उस सेल के ऊपर वो कमेंट हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कमेंट्स ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ ऑप्शंस एमएस एक्सेल के। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।